नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में आज छठे चरण की पोलिंग शुरू हो चुकी है। आम आदमी से लेकर के वीआईपी तक वोट डालने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला व उनकी माता नैना चौटाला भी पहुंचे। बाल भवन में स्थित पोलिंग बूथ पर आज उन्होंने वोट पोल किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनका बीजेपी और कांग्रेस का वहम है कि उनकी जीत होगी, बल्कि अब की बार वोटिंग ऐसे होगी कि जनता को सरप्राइज मिलेगा। आप देखें पर्पल की खास रिपोर्ट। खड़े हुई वोट डाली और वोट बदलाव को अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आपको आवाज़ मिले तो आपका एक एक वोट बहुत ज़रूरी है आने वाले भविष्य की पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, लॉज के लिए और इस संविधान को और मजबूत बनाने के लिए। मैंने अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल किया। आप सबसे भी यही विनती करता हूँ कि आप भी खड़े होकर अपना एक एक वोट डाल कर इस डेमोक्रेसी को और पावरफुल बनाने का काम। दूसरी क्या लगता है पूरे प्रदेश में किस तरह से जो वोटिंग हुई है, आपको क्या उम्मीद है आप इस हाथ से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि अभी तो शुरुआत है एक बदलाव की और आज हरियाणा का एक एक नागरिक, खासतौर पर एक एक युवा आज खड़ा होकर अपनी आवाज़ के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, रोजगार के लिए अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करेगा और एक ऐसा बदलाव लाने का काम करेगा जो आने वाले भविष्य में उनको ताकत भी देगा और उनको आवाज़ भी देगा। दिग्विजय की बात करें, दिग्विजय सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं कितनी? मैं ये मानता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर विनायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 10 में जहाँ कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आला दल भी है, सबसे ज़्यादा अगर सीटें कोई जीतेगा तो हमारा गठबंधन जीतेगा। दूसरे जी, किस तरह के जो मुद्दे हावी रहे आप, खासकर आपने जेजेपी नई पार्टी है, किस तरह के मुद्दे लेकर जनता के बीच? हम तो काम वर्सेस नाम लेकर गए और जिस तरीके से 5 साल हिसार में हमने काम कर दिखाया उसी तरीके से हरियाणा के प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे अच्छा तो जेजेपी का जो था परफॉर्मेंस वो जींद में आप लोगों ने देखी होगी और उससे भी बेटर सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे लग रहा है ये गठबंधन आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के रिजल्ट आएंगे। तो आप आजकल मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना हो रहा है तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैडम, जिस तरह से जो आप महिला है, किस तरह से महिलाओं के मुद्दे रहे, हावी रहे चुनाव के दौरान? देखो, महिलाओं के आज जब गाँव में जाते हैं ना तो मुझे तो मैं बार बार कहती हूँ कि एक तकलीफ होती है जो आज ये कहते हैं डिजिटल इंडिया बन गया, डिजिटल इंडिया। आज भी नारनौंद, बुआनी खेड़ा, कितने गाँव में महिलाएं सिर पे मटका ले लेके पानी लेके आ रही। तो आप देखो भी महिलाएं जो ये कहते हैं, और मुझे लगता है बीजेपी ने तो सबसे ज़्यादा अगर यूज़ किया तो महिलाओं का नाम यूज़ किया और किया कुछ भी नहीं उनके लिए। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि बदलाव आए और ये महिलाओं के सिर से मटका उतरे और घर घर टूटी लगे। दोनों बेटे चुनाव मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो कहूँगी मेरे तो सारे बेटे जो यूथ खड़ा है वो दिग्विजय दुष्यंत ही है और 7-3 का रेशो है दोनों पार्टियों का, तो सबको शुभकामनाएं और विजयी भाव। मैंने तो कह दिया बच्चों के लिए, भाई भगवान देखो मतदाता तय करते हैं किसी का भाग्य, तो भतीजा हो, बेटा हो, जो भी है, अब मैं तो मेरी पार्टी के लिए कहूंगी कि बेस्ट ऑफ लक।